Assalamualaikum. होम एचडी चैनल के साथ मैं हूँ डॉक्टर अत्रुबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी या बांझपन के ऊपर। इससे पहले भी मैं इनफर्टिलिटी पर बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को इस बारे में और मज़ीद नॉलेज दी जाए कि सवाल ये पैदा होता है कि कब आपने डॉक्टर से रुजू करना है, कि आप कंसल्टेशन के लिए कब जाएंगे। नॉर्मली अगर एक कपल है, उसकी शादी हुई है, आपने 6 महीने बाद या साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद आपने कब डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं आपको बताऊं कि एज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी में, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपकी उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा है तो आप अपनी शादी के विद इन 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने डॉक्टर से रुजू लाजमी कीजिए, अगर आपको इन 6 महीनों में हमल नहीं ठहरा। या अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है, अगर आप विद इन 35 ईयर्स ऑफ एज कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपने 1 साल तक वेट करना है अपनी शादी के बाद। नेचुरली आपने ट्राई करना है, अगर उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो विद इन ईयर आप डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाइए ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके। और जो टाइम आपने बाद में हमारा वेस्ट होना है सारी चीज़ों में, वो उससे पहले ही आपका मसला हल हो जाए। तो एक चीज़ हो गई एज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर सेकंड, अगर आपको कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, अब मेडिकल डिसऑर्डर में अगर आपको कोई फाइब्रॉइड है, आप पहले से डायग्नोसिस आपका बना हुआ है, आपको बचपन में हुआ था या आपको 20-22 साल की उम्र में कभी रसोली हुई है और आपने उसका इलाज लिया है, तो आप अपनी शादी के फौरन बाद ही 1-2 महीने बाद आप डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाइए, ताकि आपकी अगर मज़ीद फिर से रसोली का मसला आ रहा है बच्चेदानी में, अंडेदानी में, तो आपका वो ट्रीटमेंट हो सके और आपका इलाज हो सके। उसके अलावा जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, एंडोमेट्रियोसिस जो एक कंडीशन है, उसमें भी आपने डॉक्टर के पास पहले आ जाना है इलाज के लिए। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स जिन लड़कियों को रहते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसमें माहवारी बच्चेदानी अंडेदानी के अंदर भी गिर के अंदर के अज़ा को चिपका रही होती है, एडहीजन्स बन रही होती हैं, तो वहाँ पर ट्यूब्स की और अंडेदानी की इतनी अच्छी हरकत नहीं रहती है, तो मोर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो वो जो ख़वातीन जिनको ये मसला है, वो भी पहले डॉक्टर के पास तशरीफ लाएं। इसके अलावा एक कंडीशन है प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी। उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने बच्चियों को एक लिमिटेड अमाउंट के अंडे बाय बर्थ जैसे ही उनकी पैदाइश होती है उनके अंदर मौजूद होते हैं, और वो जैसे जैसे बड़ी होती हैं और जब बालिग होती हैं, हर महीने एक अंडा बनता है और वो अंडा ख़त्म होता है और हमें माहवारी आती है हर महीने के हिसाब से। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अंडों की तादाद कम होती जाती है, अंडों की क्वालिटी कम होती जाती है, तो अगर आपको किसी खातून को 3 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं, 6 महीने बाद पीरियड्स आ रहे हैं और उनके फॉलिकल्स यानी जो रिज़र्व उसके कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन खातून को भी टाइम, मतलब जैसे ही आपकी शादी हो रही है 3 महीने 6 महीने में आप डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाइए, ताकि आपकी बर वक्त जो भी सारी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हो सकें, और अगर आपका कोई मसला आ रहा है फॉलिकल से रिलेटेड तो उसको डॉक्टर ट्रीट करके आपका इलाज कर सकें। इसके अलावा और डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, PCOS जो आजकल बहुत कॉमन है लड़कियों में, अगर आपको वो शुरू से मसला रह रहा है, तो उनमें भी इनफर्टिलिटी के मसाइल हो सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मसला हो सकता है। तो अगर आप पहले से ही डायग्नोसिस आपका बना हुआ है कि आप PCOS का शिकार हैं और आपकी साइकिल इररेगुलर है और आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं अपनी माहवारी को ठीक करने के लिए, तो भी आप पहले से तशरीफ ला सकती हैं ताकि आपका इलाज हो सके। ये सारी वो कंडीशंस थी जो फीमेल के लिए थी। मेल के अंदर क्या होता है, अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको मिलने में कोई मसला होता है, तो उसमें भी कपलेशन के टाइम में अगर कोई मसला हो रहा है, तो वो भी ये सारी प्रॉब्लम आप पहले से आके एड्रेस कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। प्री मेच्योर एजुकुलेशन है, जल्दी पानी का आ जाना, उन सारे मसलों में भी ये होता है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वान्टिटी का भी इसमें फ़र्क आ सकता है। तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो एक बेसिक बेसलाइन टेस्ट है, वो हम हर कपल में जो इनफर्टिलिटी के साथ आता है हम लाजमी करवाते हैं, ताकि हमें वजह पता चल सके। अच्छा, जो सबसे कॉमन एक चीज़ है ना जो इनफर्टिलिटी में सबसे ज़्यादा हमें बहुत सारे पेशेंट्स में देखनी पड़ती है,
जो सबसे कॉमन मसला हमें हमारे पास ओपीडी में पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं और जो हमें सबसे ज़्यादा वजह पता लगती है वो ये होता है कि अंडों का अच्छा ना बनना, अंडों का मैच्योर ना बनना, यानी इमैच्योर फॉलिकल या एन ओविलेटरी साइकिल्स होती हैं, ओविलेशन सही टाइम पे नहीं हो रही और ज़्यादातर कपल्स को पता ही नहीं होता कि हमारा विंडो पीरियड, जो फर्टिलिटी पीरियड, ओविलेशन पीरियड हमारा कौन सा है, जिन दिनों में हमने मिलना है और उन दिनों में आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी जिनको भी ये मसाइल हैं, मेरी उन सबसे ये रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ टाइमली तशरीफ़ लाइए। नॉलेज है, अगर आपको आपकी साइकिल का पता लग जाएगा, आपको अपने एक नॉलेज आपको मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से दिन खास हैं, उन दिनों पे मिलना ज़रूरी है, तो आपके जो नेचुरल तरीक़ों से आपको कंसीव करने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अंडों का मसला आ रहा है, आपके बहुत ज़्यादा इमेच्योर फॉलिकल हैं, तो उसमें आपकी डॉक्टर पहले आपके टेस्ट कर सकती हैं, बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करा लिया, हार्मोनल प्रोफाइल करवा ली, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करा लिया, ये सारी रिपोर्ट के बाद अगर कहीं मसला नहीं आ रहा, सिर्फ अंडों का मसला है, तो हम 5 दिन के लिए अंडे बनने की दवाइयाँ देते हैं। एक और बात यहाँ बताती चलूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं सालों साल से इलाज करवा रही होती हैं, कोई टेस्ट नहीं करवाए हुए, और इलाज के लिए मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं सबको ये कहती हूँ कि आपने सब्र के साथ काम लेना है, आपका पेशेंट बहुत ज़रूरी है, आपकी कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर, मैं आपको कोई दवाई बता रही हूँ कि आपने ये इस टाइम पर खानी है और इतने दिन तक खानी है और आपने दोबारा पलट के मेरे पास वापस आना है, बहुत सारे पेशेंट फॉलो ही नहीं करते। जब आप फॉलो नहीं करेंगे, आप मेडिसिन टाइम पे नहीं लेंगे, आपको हम जब दोबारा बुला रहे हैं आप नहीं आएंगे, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, हम देख नहीं सकते, हमने जो दवाई दी उसका असर हुआ नहीं हुआ, वो सारा फिर आपका फ़ायदा नहीं है। फिर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर मैंने तो फलां डॉक्टर से भी लिया, फलां से लिया। अगर आपने इनफर्टिलिटी का, बांझपन का इलाज कराना है, तो आप 3 महीने या 6 महीने के लिए एक ही डॉक्टर रखिए, वो जो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो करके, उसमें अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, उसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप ज़रूर अपनी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है या कोई मसला आ रहा है, फिर आप ज़रूर डॉक्टर चेंज करें। लेकिन हर महीने महीने में डॉक्टर चेंज करने से वो डॉक्टर कोई नया इलाज नहीं दे देंगे। आप मेरे पास 6 डॉक्टर चेंज करके मेरे पास आओगे, मैंने कोई नया जादू नहीं कर देना है, मैंने भी जो बेसिक इलाज है जो उस मर्ज़ का, मैंने वो करना है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर टाइम दें, सब घर वाले सब्र करें, कपल सब्र करे, स्ट्रेस ना ले। जब तक आप स्ट्रेस लेंगे, हम दवाइयाँ देंगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो जो कपल है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनका सब्र करना और एक एतमाद करना, ट्रस्ट करना अपनी डॉक्टर पे, दूसरा अल्लाह ताला से भी आपने रुजू करना है, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम एक वसीला हैं जो एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी आपका ईमान है, अगर आपका ईमान पुख्ता है और आप अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, साथ में आप सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो फॉलिकल्स की मैं बात कर रही थी, फॉलिकल्स अगर आपके मैच्योर नहीं हैं, डॉक्टर आपको 5 दिन के लिए दवाई देती हैं, अंडे बनने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये मसला है तो ही लें। अगर मसला नहीं है, खामखा आप पहले से दवाइयाँ ले जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने लिमिटेड अमाउंट में एक औरत को अंडे दिए हैं, आपके बहुत सारे अंडे इस्तेमाल हो जाएंगे उसी एक महीने में। फिर ऐसी खातून जिनको ये मसला भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अंडे बनाने वाली दवाइयाँ बहुत सालों तक बग़ैर किसी तशखीस के, बग़ैर किसी टेस्ट के बस खाई हैं उन्होंने, तो उनको ये बता दूं कि वक्त से पहले आपकी माहवारी बंद हो सकती है, आपको मीनोपॉज हो सकता है, और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स और बॉडी पे इफ़ेक्ट्स हैं कि वो फिर उसके साथ आपका सामना करना फिर ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आप एक जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, आप उनकी तजवीज़ के बग़ैर ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कीजिए। फिर आपने 5 दिन तक दवाइयाँ ली, उसके बाद एक 12वें दिन अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आया जो दवाई दी गई थी उससे अंडे मैच्योर बने हैं या नहीं बने, तो वो पता लगता है। और उस दिन फिर आपकी डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगवाने का कह सकती हैं। अगर अंडों का साइज़ 1.8, 1.9 या 2 सेंटीमीटर तक का है, अच्छे फॉलिकल्स बने हैं, तो वो इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। फिर आपको डॉक्टर टाइम भी बताएंगी कि किन डेज़ पे आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप पे भी डॉक्टर बुलाएंगी। ये वाला जो इलाज है आप 3 से 6 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिए। 6 महीने के बाद आपकी डॉक्टर गैप करवाती हैं, और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्या मसला आ रहे हैं, फिर वो उसके अगर कोई और वजह निकलती है तो फिर उसके मज़ीद दूसरे इलाज हो सकते हैं।
तो आज की वीडियो में मैं यही सबको मैसेज है कि आप अपनी बरवक्त तशखीस करवाइए और बरवक्त इलाज लीजिए और सही इलाज लीजिए, सही टाइम पे इलाज लीजिए, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जो भी आप नेक्स्ट चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किसी मौजू पर बात करें, किसी को कोई भी मसला है या कोई किसी बीमारी से इस वक्त अगर कोई लर्ड है और वो चाहता है कि उसे नॉलेज मिले, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।